अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? हम तो बिल्कुल ठीक हैं और मुझे उम्मीद है आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट कर लिया सुबह सुबह से। मैं बच्चों के स्कूल के लिए लंच प्रिपेयर कर रही थी तो मैंने सोचा कि ये छोटा सा एक आइडिया है जो मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। ये बंस मैं लेकर आई थी हाइपर स्टार से और इसके अंदर मैं फिलिंग करने वाली हूँ इस चिकन की। ये मैरिनेशन मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। सिर्फ थोड़े से मसाले लगा के इसको मैंने ओवरनाइट छोड़ दिया था। अब मैं हल्का सा बिल्कुल एक दो चम्मच पानी डाल के और एक टेबल स्पून ऑयल डाल के मैंने उसको ओपन पैन में पका लिया। बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना क्योंकि ये बहुत पतली पतली स्ट्रिप्स मैंने काटी थी, ज़्यादा पकाएँगे तो ये ड्राई हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं बंस को मैंने ऊपर से उनका जो है टॉप उतार के उनके अंदर का स्पॉन्ज मैंने थोड़ा थोड़ा रिमूव किया है। अब मैं उसके अंदर फिलिंग कर रही हूँ। अरवा जो है वो सिर्फ चिकन और चीज़ लेती है तो उसके लिए वो फिलिंग है। मानो साथ में पसंद करती है वेजीज़ वगैरह भी तो उसके लिए मैंने वो भी डाली हैं। ऊपर थोड़ी सी मेयोनीज़ और आप थोड़ा सा ये मैंने चीज़ स्लाइस का पीस रखा है, ना भी डालें कोई मसला नहीं है। और साथ में ऊपर मैंने मोज़रेला चीज़ स्प्रेड करके डाल दिया। अब इसको मैं टोस्ट होने के लिए अवन में रख दूँगी। फिलिंग्स के लिए या टॉपिंग्स के लिए आप क्रिएटिव हो सकते हैं, जो आपके बच्चे शौक से खाते हैं वो आप डाल दें। उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने क्या डालना है। यहाँ पे जब तक वो टोस्ट हो रहा था मैंने बच्चों की मैगी बनने रखी थी और मैं बर्तन वॉश करने लग गई थी जो बर्तन यूज़ हुए थे। मेरी कोशिश ये होती है कि सुबह में जो भी काम मैं करती हूँ नाश्ते का या बच्चों के लंच का, उसमें मैं बर्तन वगैरह साथ साथ ही धो दूँ, क्योंकि जब बर्तन धोने खुद ही होते हैं तो मुझे ये लॉजिक समझ में नहीं आता कि मैं उसको सुबह तक, मतलब जब दोबारा मैंने उठना है तो मैं उनको छोड़ दूँ। वॉश बेसिन को मैं टोटल खाली करके बच्चों के जाने के बाद तो फिर मैं बैठती हूँ जाके। यहाँ पर अब लंच बॉक्स इनका मैं फिल कर रही हूँ। ये इनके पुराने लंच बॉक्सेस हैं और ये मुझे बहुत पसंद है, बस इनका साइज़ ज़रा छोटा है। लेकिन ये कि इनके साथ ये कंटेनर्स भी थे। बच्चे मेरे चीज़ें तो ज़्यादा ले जाना पसंद करते हैं लेकिन इनको बड़े बड़े लंच बॉक्सेस बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इनकी गिव अवे की थी लेकिन ये वाले लंच बॉक्सेज मैंने रख लिए थे। मुझे पता था कि ऑफ एंड ऑन मुझे इन्हें यूज़ करना पड़ेगा। तो ये आप देखें, ये निकल के तैयार हो गए। ये बहुत ही क्रिस्पी क्रंची और बहुत ही मज़े के थे और बच्चे तो इस कदर एक्साइटेड हुए थे कि आप सोच नहीं सकते। बच्चों के जाने के बाद तो मैंने हल्का फुल्का अपना ब्रेकफास्ट किया, फिर मैं लेट गई। उसके बाद अब ये टाइम आप देख रहे हैं तकरीबन 10:30 बजे का टाइम है। मैंने अपने लिए चाय दोबारा बनाई है और बच्चों के आने से पहले मैं फारिग होती हूँ क्योंकि लंच का जो सामान है वो आसिफ आते हुए लेकर आते हैं। तो मैंने फिर यहाँ पर थोड़ा बहुत अपना काम करना होता है। एडिटिंग वगैरह इस टाइम मैं नहीं करती हूँ, मैं इस टाइम थोड़ा सा लैपटॉप पे जो मुझे काम होता है वो मैं कर लेती हूँ और चाय को इन्जॉय कर लेती हूँ, या कभी कभार इस टाइम मैं आराम से बैठ के कोई ना कोई नावल पढ़ लेती हूँ। तो फिर जब बच्चे आ गए थे उनको खाना वगैरह दे के मैं आ गई थी किचन में और आज मैं बना रही हूँ देसी मुर्गी की कढ़ाई। ये बहुत मज़े की बनी थी, बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी और ये अगर आप घर पे बना लेंगे ना तो बिलीव यू मी आप मार्केट वाली भूल जाएंगे। तो ये भी सारी जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मेथड आप ये देख लीजिएगा, मेथड जो मैं यूज़ कर रही हूँ इसको ऐसे ही यूज़ कीजिएगा। हर चीज़ इकट्ठी डाल देने से या फिर अलग अलग डिफरेंट टाइम्स पर हर चीज़ डालने से बहुत फ़र्क पड़ जाता है फ्लेवर के ऊपर, इसलिए मेथड फॉलो करना ज़रूरी है। आप आगे जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर मसाले यूज़ कर रहे हैं उनकी क्वांटिटी आपकी अपनी मर्ज़ी पे है। जब तक मैं कढ़ाई बना रही थी मैंने साथ ही फ्रीज़र भी बंद कर दिया था। मेरा फ्रीज़र बहुत ज़्यादा स्टफ़ी हुआ हुआ था, कई दिनों से मूड हो रहा था कि साफ़ करूँ लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। तो आज फिर मैंने सोचा कि साथ साथ ही ये काम भी जो है वो मैं कर लेती हूँ। और ये मैंने ग्रीन अनियंस मंगवाए हैं क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ चिकन मोमोज। एक दो दिनों में इंशाल्लाह आपके साथ वो रेसिपी भी शेयर करूँगी, वो भी बहुत मज़े के बने थे। ये अब मैंने चिकन को प्रेशर दिया था, इसको सिर्फ मुझे 15 मिनट प्रेशर देना पड़ा था, आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। उसके बाद मैं जो सारे टमाटर हैं उनकी मैं स्किन्स ऊपर से रिमूव कर रही हूँ। स्किन्स रिमूव करके तो मैं इनको थोड़ा बहुत पिसा दूँगी और पिसाने के बाद मैंने किसी भी खुले बर्तन में आपने ले लेना है, मेरे पास ये कढ़ाई थी मैंने इसमें डाल ली है और यहाँ पर अब मैं इसका पानी सुखाऊँगी। साथ साथ ही मैं मानो को पढ़ा भी रही थी, मानो अपनी आप देख रहे होंगे बुक्स पढ़ी हुई हैं नीचे, मानो बुक्स लेके तो किचन में आ गई थी कि उसको थोड़ा सा हेल्प चाहिए थी होमवर्क में। तो ऐसे ही साथ साथ आपको पता है जो भी मदर्स हैं जो बच्चों को घर पे खुद कोच करती हैं यही सब कुछ साथ साथ चलता रहता है, आपका मल्टीटास्किंग फुल ऑन हो रही होती है। तो यहाँ पे मैंने अब इसके अंदर जब पानी सूख गया तो मैंने हरी मिर्च और जो लाल मिर्च गोल वाली है वो मैंने डाल दी और थोड़ा सा मैं इस पर ऑयल डाल रही हूँ और इसको मैं भून लूँगी। माइंड इट, मैंने इसके अंदर लाल मिर्च बिल्कुल भी नहीं डाली है, ना मैंने इसके अंदर लाल मिर्च कुटी हुई डाली है, ना मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पिसी हुई डाली है। तो इसको साथ साथ आपने अब भूनते जाना है क्योंकि अब सारा काम इसका भुनाई का है और थोड़ी थोड़ी कोई ना कोई चीज़ हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं मक्खन ऐड कर रही हूँ, नॉर्मली देसी घी ऐड होता है, मेरे घर पे ख़त्म हुआ हुआ था
तो मैंने सोचा कि मैं इसमें मक्खन पड़ा है तो क्यों ना मक्खन डाल लूँ, लेकिन ये मक्खन सॉल्टेड था तो इसी वजह से मैंने पहले सॉल्ट जो कंटेंट है वो कम ही रखा था। आप अगर सॉल्टेड बटर यूज़ कर रहे हो तो आप भी इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा कि सॉल्ट आपका जो है वो फिर ज़्यादा ना हो जाए। मक्खन मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ दही, और ये दही जो है ये बहुत अच्छे तरीके से मैंने फेंटा नहीं था इसलिए आपको लगेगा थोड़ा सा कर्डल्ड है, लेकिन बाद में जब मसाला भून गया था तो दही बिल्कुल बीच में मिक्स हो गया था। दही डाल के भी आपने इसको भून लेना है, और अच्छे से जब ये भून जाएगा तो आप देखें इसका मसाला कितना अच्छा और प्रॉपर तैयार होना शुरू हो गया। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ सूखा धनिया पाउडर, जो कि मैं धनिया घर पे साफ़ करके उसे थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट करके तो उसका पाउडर बना लेती हूँ, वो डाल दें। और काली मिर्च का जो फ्रेश काली मिर्च पीस के उसका पाउडर आप इसके अंदर डाल दें। कोशिश करें फ्रेश मसाले यूज़ करें, फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है आपका। उनको मिक्स करने के बाद अब इसके ऊपर आपने डाल देनी है अदरक। अदरक डाल के भी थोड़ा सा आप इसको मिक्स कर लें, और लास्ट में आपने इसके ऊपर थोड़ी सी कसूरी मेथी जो है वो डाल देनी है। गार्निशिंग के लिए आप हरा धनिया यूज़ कर सकते हैं, या अगर आप और हरी मिर्च डालना चाहें वो आप यूज़ कर सकते हैं, दैट्स टोटली अप टू यू। और ये मैंने थोड़ा सा बिल्कुल पिंच ऑफ गरम मसाला मैंने इसको फ्लेवर के लिए और खुशबू के लिए, क्योंकि ये भी होममेड होता है, बहुत एरोमेटिक होता है, तो खुशबू के लिए मैंने थोड़ा सा फ्लेवर और खुशबू करने के लिए ऐड गरम मसाला डाला है। अब इसको मैं, ये देखें इसकी भुनाई भी हो गई है, आपको ऑयल भी नज़र आ रहा है। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया धनिया और ऊपर से थोड़ी सी हरी मिर्चें, क्योंकि मुझे इसमें कच्ची हरी मिर्च का फ्लेवर अच्छा लगता है। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं देसी मुर्ग नहीं खाती हूँ, मैंने थोड़ा सा मसाला सिर्फ टेस्ट किया था एंड बिलीव मी बहुत मज़े का बना था, बहुत दिल करने के बावजूद भी मैं खा नहीं सकी, क्योंकि पता नहीं कोई साइकोलॉजिकली मुझे है देसी मुर्गे से कोई प्रॉब्लम है, मैं नहीं खा सकती। लेकिन बहरहाल यही मेथड फॉलो करके तो आप नॉर्मल कढ़ाई भी बना सकते हैं। अब हम आ गए हैं, रात का टाइम था, खाना वाना खा के तो निकल आए थे हम ग्रोसरी शॉपिंग करने। काफ़ी टाइम से मतलब बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हुई हैं, जो चीज़ थी थोड़ी थोड़ी मैं आसिफ से कह के मंगवा लेती थी, लेकिन यह है कि अब हमने सोचा कि ज़रा काफ़ी चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं, नीचे अम्मी को भी चाहिए थी, तो फिर हम शॉपिंग करने आ गए थे। और यहाँ पे हाइपर स्टार में शॉपिंग करना, इस वाले में जो फोर्ट्रेस वाला है, इसमें हमेशा से हमें पसंद रहा है, ये हमारी ट्रॉली है और अभी थोड़ी बहुत चीज़ें जो है ना वो रहती थी। बहुत कैलकुलेटेड चीज़ें खरीदी थी बट फिर भी काफ़ी बिल बन रहा है। ये हेलो की आवाज़ कहाँ से आई? और हम निकल आए हैं शॉपिंग करके, कितना क्यूट है वो, उसको पेट कर लो प्लीज़। हम निकल आए हैं, मुझे किसी ने किया था कमेंट कि आप ग्रॉसरी शॉपिंग भी दिखाएं, तो मैं आपको जाके दिखाती हूँ कि हम लेके क्या आए और कितने पैसे लग गए हैं। दिस इज़ द रीज़न कि हम ग्रॉसरी शॉपिंग नहीं कर रहे होते, हम जो जो चीज़ ख़त्म होती है वो ले आते हैं खुद ही। तो आई सी अ डॉग, हाउ आर यू? मैंने ये बहुत बहुत सॉफ्ट है, ये 3 दिन हो गए इसको लाया नहीं है, बट ये बहुत क्यूट है। हम किसे मिले? हम एक मुन्ने से क्यूट डॉगी को मिले जिसका नाम था चिन चिन, बहुत क्यूट था, बहुत ही प्यारा था। यहाँ पे ये सारी ग्रोसरी है जो हमने शॉपिंग की थी, इसमें आप देख रहे हैं कि यूज़ की चीज़ें हैं, नॉर्मल बच्चों की मैगीज़ हैं, बंस वगैरह हैं। ये जो मसाले मैं लेती हूँ, सिर्फ मैं बिरयानी मसाला और टिक्का मसाला मैं बाहर का लेती हूँ, अदरवाइज़ हर चीज़ आपको पता है, आप जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं कि मैं मसाले वगैरह घर पे ही पीसती हूँ और उनको मैं यूज़ करती हूँ। तो ये दो मसाले मैंने सिर्फ लिए हैं, या फिर एक मसाला फ्राइज़ के लिए मसाला था फलक वालों का, ये भी बहुत एक्सपेंसिव नहीं था, आई थिंक 100 से नीचे ही था, तो ये मैंने एक लिया था। और एक ये पेरी पेरी सॉस शंग्रीला की थी, ये टेस्टी है बहुत ज़्यादा, मतलब बिल्कुल नैंडोज़ वाला टेस्ट नहीं है लेकिन बहरहाल अच्छी है। और ये थी अराउंड आई थिंक 140 rupees समथिंग, ऐसे ही था कुछ। तो ये दो तीन चीज़ें जो हैं जिनको आप कह सकते हैं कि ये मैंने एक्स्ट्रा ली, बाकी इसके अलावा और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने एक्स्ट्रा वहाँ से ली हो। ये इमली मैं इकरा फूड्स की लेती हूँ, ये मुझे बहुत पसंद है, ये बिल्कुल गंदी भी नहीं होती है और ये अच्छी सही वाली खट्टी इमली होती है, तो ये काफ़ी ऐसा चल जाती है, चटनीज़ में भी बहुत अच्छी रहती है, और अगर आपने चावलों वगैरह में डालनी है वहाँ भी अच्छी रहती है। तो इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें वो हैं जो कि मैं मतलब अम्मी मतलब डबल डबल ली थी, नीचे अम्मी को दे आई हूँ, तो मिल मिला के हमारी ये जो सारी शॉपिंग थी गाइस, इसका बना था 17,200 rupees। और आप ये देखें कि ये वो चीज़ें हैं जिनको अब मैं दोबारा जो है शायद 2 महीने बाद मैं शॉप करूँगी, मुझे उससे पहले नहीं ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मैं इसीलिए ग्रॉसरी नहीं करती हूँ, जैसा कि मैं पहले भी आपको कह रही हूँ कि प्राइसेस इतनी ज़्यादा हाई हो गई हैं कि दिल को वैसे ही कुछ होता है,
तो कोशिश ही होती है कि जो चीज़ ख़त्म हो रही है वही मंगवा ली जाए, थोड़ा थोड़ा करके लगे तो फिर भी मतलब इतना ख़ुद को फील नहीं होता कि बहुत ज़्यादा लग गए हैं। लेकिन बहरहाल मैं चूज़ करती हूँ वो चीज़ें जिनकी प्राइस कम होती है, हाइपर स्टार का या कोई भी जो बड़ा स्टोर होता है उसका आपको फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है, आप अपनी मर्ज़ी से टॉप क्लास जो चीज़ है जो बहुत एक्सपेंसिव है वो भी उठा सकते हैं और जो कम एक्सपेंसिव है आप वो भी ले सकते हैं। तो ये था आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और प्लीज़ अगर आपको व्लॉग्स पसंद आते हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दिया कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।